हाय स वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस हाउ यू ऑल आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे मैं उम्मीद तो इतना कर सकती हूँ और क्लासेस कैसे आपकी चल रही है आपको समझ में आ रहा है मजा आ रहा है क्लास अच्छी लग रही है पहले सेमेस्टर में थोड़ा डिले हुआ था बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मैं भी समझ रही थी ठीक है बट मैं उसको मैनेज नहीं कर पाई लेकिन इस सेमेस्टर में मेरे पास भरपूर समय है हर चीज़ें हम अच्छे से करेंगे ब्रीफ में करेंगे और टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस करेंगे ठीक है आप शायर क्लासा बने हुए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले कोई भी लोग जो भी लोग नए आए उनका बहुत स्वागत है मेरी फैमिली में पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन दी वहीं पर आपको पी मिलेगा ठीक है आज की जो क्लास है ये यहाँ पे सोशल साइंस की क्लास है आप सभी देख रहे हैं हमने सशस्त्री की क्लास को किया है स्टार्ट कर लिया है पहला चैप्टर हमारा चल रहा है अभी चल इसी ले रहा है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और एस एस टी का जो स्लैबस है वो थोड़ा ब्रॉड है तो हमको करने में इसको समय लगेगा ठीक है ये मत सोचिए कि खिंच रहा है खिंच रहा है जी नहीं टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ठीक है आज की इस क्लास में हम देखते हैं नया टॉपिक क्या है उसके बारे में जानते हैं आपके सामने टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है वीडियो को इन तक सभी लोग ज़रूर देखेंगे टॉपिक आज जो हमें पढ़ना है वो मैंने लिया है बिंदुसार के बारे में ठीक है बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्योंकि इनसे प्रश्न एक दो आएगा अदरवाइज नहीं आएगा फिर हम अशोक सम्राट के बारे में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे फिर हम कलिंग युद्ध का क्या बहुत ज्यादा फेमस बातें हैं ये सारी जार। आज का जो तो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा चले आगे चलिए देखते हैं सबसे पहले नाम आता है बिंदुसार बिंदुसार कौन था बिंदुसार आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था जो बेटा था जो पुत्र था वो था बिंदुसार कौन था बिंदुसार चलिए बिंदुसार के बारे में जानते हैं देखिए ये है बिंदुसार देख सकते हैं आप सभी देखिए दिख रहा है ये है बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता बिंदुसार का जीवन परिचय किसके पुत्र चंद्रगुप्त के किसके पिता अशोक के पिता अशोक के पिता सम्राट अशोक के पिता कौन है बिंदुसार दो क्वेश्चन क्लियर है ध्यान से कोई भी गलती नहीं करेगा ठीक है चले आगे चलिए पहले हम इनका एक परिचय देखते हैं क्या क्या है परिचय से प्रश्न काफी ज्यादा आता है इसलिए कोई भी ब... कोई भी गलती नहीं करेगा किसी की भी गलती नहीं हुई है जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बनेंगे ना एक बात इसमें क्या होती है पता है ये जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनता है ना ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है कभी कभी क्योंकि इसमें डेट पूछ लेता है अभी तो ये है आपका प्रारंभिक वाला जो तो चैप्टर है ना उसमें तो इतनी फाड़ू डेट पूछता है ना कि मत पूछिए बहुत सारा डेट्स पूछता है और डेट में ही हम हमेशा गलती करते हैं इसीलिए ध्यान से देखते हुए चलिएगा पूरा नाम इनका क्या है सम्राट बिंदुसार ठीक है पूरा नाम सम्राट बिंदुसार जन्म इनका लगभग 320 सौ ईसा पूर्व मृत्यु की जो इनकी तिथि थी वो लगभग दो ईसा पूर्व से समय थी और इनका जो टाइम पीरियड था बावन साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी आप चीज़ें देख रहे हैं आपको ध्यान में रखनी है माता पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे और माँ जो इनकी थी वो दूधरा थी दो शादियाँ की थी ना चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दूधरा से और एक जो है हेलना से की थी तो वो दो लेकिन ये जो बिंदुसार पुत्र था वो इनका था ठीक है ध्यान रखिएगा गलती कोई नहीं करेगा एक सिंगल मिस्टेक अगर प्रिकॉशन आया नहीं होनी चाहिए मैं इतनी उम्मीद से इतने अच्छे तरीके से बता रही हूँ तो इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ ना चलिए देखिए पति पत्नी का मतलब जो ये पति बिंदुसार हुए तो पत्नी इनकी सुभद्रांगी थी संतान इनकी अशोक हुई थी ठीक है अशोक इनकी संतान थी उपाधि इनको सम्राट की मिली हुई थी राज्य सीमा जिन्होंने राज्य कहा था कि तो लगभग संपूर्ण भारत में पूरी जगह लगभग जहाँ जहाँ हो पाया यहाँ इन्होंने अपना राज्य पूरा अच्छे से किया था शासनकाल इनका क्या था दो से लेकर दो ईसा पूर्व ये ध्यान रखिएगा आपसे ये पूछ लेगा शासनकाल ठीक है ठीक है पत्नी का नाम उतना नहीं पूछा गया है ध्यान दिया है और शासन की जो अवधि थी लगभग छब्बीस साल इन्होंने राज किया था पूरा मतलब सब पूरा साम्राज्य को संभाला चीज़ों को देखा ठीक है और राजभिषेक जो इनका किया गया था दो सौ अट्ठानबे में किया गया था क्योंकि जब शासनकाल जब स्टार्ट हुआ तभी इनका राजभिषेक किया गया था इनको गद्दी पर बैठाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य की जगह अपने पिता की जगह बैठाया गया समझ में आई बात क्लियर है ये था पूरा जीवन परिचय मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी चीजें थी जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला खास कर बनेगा मेरी बात को ध्यान से सभी लोग समझते हुए चलेंगे ठीक है चलिए देखिए कुछ चीजें आपको यहाँ पे और दी गई हैं धार्मिक मान्यता जो इनकी थी वो जैन धर्म को ये मानते थे किसको मानते थे जैन धर्म के अनुयायी थे ठीक है पूर्व अधिकारी जो इनका आप समझ रहे हैं वो चंद्रगुप्त तो मौर्य की जगह पर ये थे इनका उत्तराधिकारी अशोक था राजघराना इनका जो था मौर्य था क्योंकि मौर्य साम्राज्य के वंश है ना और वंश इनका मौर्य वंश था ठीक है चलिए देखते हैं कुछ और बातें जो नई हैं जिसको आपको जानना और समझना है चलिए जीवन परिचय चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात किसकी मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की जिन्होंने एक प्रथम साम्राज्य की स्थापना की थी तो नाम किसका आता है चंद्रगुप्त मौर्य का ठीक है उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र बिंदुसार उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जो कौन बिंदुसार सम्राट बना ठीक है राजा बना वहाँ का उनकी गद्दी पर बैठा यूनानी लेखों के अनुसार जो यूनान के लेखक थे उनके अकॉर्डिंग यह बात पता चलती है कि इसका नाम अमित्र केट भी था क्या नाम था इसका नाम अमित्र केट, केटे भी था ये अलग अलग अमित्र घाट के नाम से भी कहीं कहीं मिला है या अमित्र घाट के नाम से भी आपको देखने को मिला है ठीक है विद्वानों के अनुसार अमित्र केटे का संस्कृत रूप देखिए अमित्र खाद यहाँ पे घात है ये खाद है दिख रहा इसका मतलब क्या है शत्रुओं का नाश करने वाला आपको यहाँ पे ये जो बात बताई जा रही है ये नाम के लिए बताई जाए क्योंकि आपको प्रश्न बन जाएगा कि बिंदुसार का और क्या क्या नाम था या बिंदुसार और किन किन नामों से प्रसिद्ध थे ठीक है कोई प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये चीज़ें क्योंकि आपको ऐसे ही चीज़ें आगे पढ़नी हैं तो ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है चले आगे क्या कोई प्रॉब्लम है अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा मैं आपको बता दूंगी उसका आंसर ठीक है चलिए देखते हैं बिंदुसार का जो राज था दो सौ से लेकर दो सौ ईसा पूर्व इनका शासनकाल लगभग स्टार्ट हुआ ठीक है मौर्य वंश के राजा थे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे करेक्ट है बिंदुसार को हम अमित्र घाट के नाम से सिंहसेन मद्रसार और अजात शत्रु या वारिसार भी कहा गया था अलग अलग नाम है मैंने आपको बता दिए बिंदुसार महान सम्राट अशोक के पिता थे कौन थे जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात की गई जो हम अभी आगे देखेंगे जो प्रश्न बहुत बनता बहुत ही फेमस है उनके पिता थे ठीक है चले आगे बिंदुसार ने सोलह महिलाओं से विवाह किया था रे चंद्रगुप्त मौर्य ने दो ही किया था ये तो उनसे भी आगे देख ले इन्होंने सोलह शादियाँ की थी ठीक है शादी का जो टॉपिक है वो कम पूछा जाएगा ऐसा मैंने फिलहाल नहीं देखा है डी में पूछा गया है लेकिन ध्यान रहना चाहिए अब चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं जबकि बिंदुसार ने दो ही किया था ये भी बात लिखी हुई है बिंदुसार के 101 पुत्र थे समझ में आ रही है बात 101 पुत्र थे और जिनमें से अशोक विताशोक और ये सुसीम इनका नाम बहुत प्रचलित था तीन लोग का नाम ज़्यादा फेमस था और ज़्यादा विख्यात अगर कहा जाए तो इन तीनों में अशोक का था ठीक है क्लियर है मैंने आपको सारी बातें समझा दी आपको जो है किसके पुत्र कौन है शासनकाल याद रखना है का, और कब इनकी मृत्यु हुई कब जन्म हुआ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी इसी से प्रश्न आपका बनेगा ठीक है जो रेलिवेंट टॉपिक था वो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की इससे ज़्यादा इस टॉपिक से, से नहीं पूछेगा डी में तो कत्ता ही नहीं पूछेगा इतना मेरी गारंटी है बस आपके स्लेबस में दिया है आप फटाफट फड़ चीज़ों को देखो दो तीन बार रिवाइज करो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो आपको फर्स्ट जाए बहुत ज़्यादा ठीक है चले आगे देखिए कुछ बातें और कही गई हैं पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक किंतु महावंश ने कहा है कि 27 वर्ष तक इन्होंने देखिए अलग अलग विद्वान लोग थे अलग अलग लेखक थे उन्होंने अलग अलग बातें कही थी कोई बोलता है 27 कोई 24 कोई 26 की इन्होंने इतने साल तक जो है राज किया था देखिए मैंने आपको इससे पहले जो जीवन परिचय बताया वो बिंदुसार का बताया ठीक है वो बिंदुसार के बारे में मैंने पूरी बात बताई कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा गद्दी पर बैठा मौर्य शासन को चलाया वो कौन था तो वो था बिंदुसार बिंदुसार का अलग अलग नाम मैंने आपको बताया ठीक है शासन काल याद रखिएगा और ये किसके पिता थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक अब अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा आएगा ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती आई हैं इनसे प्रश्न आपको बनता है और शासन काल पूछता है ठीक है चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा मैंने अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से ठीक है देखिए अशोक सम्राट सम्राट अशोक प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राज्य तीसरे राजा कह सकते हैं या तीसरी पीढ़ी कह सकते हैं आप अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे पूरे विश्व में प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे सम्राट मौर्य ने 269 से लेकर 232 थर्टी ईसा पूर्व तक शासन किया था इनके शासन को मैंने हाईलाइट किया हुआ क्योंकि आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव वा में ये पूछ लेगा ठीक है मौर्य वंश का यह राजा ही था एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज्य किया था अखंड का मतलब पूरे संपूर्ण भारत पर इसने राज्य किया था बहुत अच्छी बात बोली गई है बहुत अच्छी बात है काफ़ी कुछ जानने को मिला अपनी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे हुआ करनी थी ठीक है इन्होंने पूरे अखंड भारत पर राज किया था अब इनके बारे में और बातें देखते हैं क्या है भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने किसने भारत में भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक समझ में आ रही बात कहाँ से उत्तर में हिंदू कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था और इसके साथ ही इन इनका जो राज्य था वो बांग्लादेश से लेकर पश्चिम के अफग़ानिस्तान और ईरान तक भी फैला था सोच सकते हैं आप आप प्रेजेंट टाइम में मैं आप देखिए कहाँ बांग्लादेश कहाँ अफग़ानिस्तान कहाँ ईरान है लेकिन कितना दूर इन्होंने राज्य किया हर जगह पर पूरा शासन चलाया सारी चीज़ों को मैनेज किया व्यवस्थाएं दी सारी चीज़ों को देखना संभालना जब एक उत्तरदायित्व निभाना होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होती वो अलग होती है समझ में आ रही है बात फिर देखिए सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे मतलब धार्मिक प्रवृत्ति को भी अपनाए थे धर्म की तरफ भी उनका रुझान था ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा थे तो मार काट यही सब नहीं धर्म के प्रति भी उनका सम्मान था और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ठीक है ये जो अनुयायी थे ये बौद्ध धर्म के थे या आप सभी को धर्म कौन से धर्म का पालन करते थे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बताया था ना बिंदुसार के बारे में बिंदुसार किसके धर्म थे मैंने आपको अभी बताया था कि वो जैन धर्म के थे अलग अलग लोग अलग अलग बेटा अलग धर्म को पूजा पिता ने अलग धर्म को पूजा इसमें कोई लड़ाई नहीं थी जिसको जिसमें जिसको रुचि आई जिसको जिसका धर्म अच्छा लगा वो उसके रुझान की तरफ आगे बढ़े और उसी का पालन किए ठीक है आपको ध्यान रखना है गलती कोई नहीं करेगा चलिए फिर देखते हैं क्या है एक बार मैं आपको एक चित्र भी इनका दिखा देती हूँ महानायक सम्राट अशोक देखिए ये हैं दिख रहा है आपको देखिए क्या बाजू बाजू एकदम मस्त डोले शोले मस्त है दिख रहा है देखिए चीजों को ना अच्छे से पढ़ते चलिए बहुत अच्छे से हमारे पास वक्त है इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे ना तो मज़ा भी आएगा और कब हम ची को अच्छे से पढ़ लेंगे ना पता भी नहीं चलेगा तो दिख रहा है ये सम्राट अशोक थे चलिए आगे चलते हैं अशोक सम्राट बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे मतलब बौद्ध धर्म जो चल रहा था उस समय तो सबसे प्रतापी राजा बौद्ध धर्म का टाइम पीरियड था तो अशोक थे और अशोक सम्राट अशोक का जो पूरा नाम है वो देवान प्रिय अशोक है क्या है देवान प्रिय अशोक मौर्य ठीक है नाम ध्यान रखिएगा गलती नाम में ही बहुत बच्चे कर रहे हैं इनको पता है जो नाम फेमस है वही जानते रहते जी नहीं आपको सभी नाम जानना है और नाम मैं अच्छे से बता रही हूँ आपको चले आगे चलिए इनका परिचय देख लेते हैं नाम सम्राट अशोक जन्म स्थान इनका जो है पाटिल पुत्र और कब हुआ था तीन सौ चार ईसा पूर्व में शासन इनका जो है वो टू सिक्सटी नाइन से लेकर टू थर्टी टू ईसा पूर्व तक रहा है इतने टाइम पीरियड से लेकर इतने टाइम पीरियड तक इनका शासनकाल ध्यान रखिएगा इसीलिए मैंने चीज़ों को अलग कलर से कर दिया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना, ना हो सिंगल प्रॉब्लम आपको राइज ना हो ठीक है पहचान इनकी महान राजा के रूप में विख्यात थे ठीक है चले आगे पत्नी देवी की पद्मावती कई इनके पत्नियां थी पिता इनके बिंदुसार थे ठीक है आपको दिख रहा है आप इनकी माँ जो है सुभद्रांगी थी मृत्यु इनकी दो सौ बत्तीस ईसा पूर्व में हो गई थी कब हुई थी दो सौ अस्तीस ईसा पूर्व के समय इनकी मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु आप ध्यान रखिएगा जन्म स्थान आप ध्यान रखिएगा जन्म तिथि याद रखिएगा ठीक है यही सारे प्रश्न आपको बनेंगे ठीक चले आगे क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को एनी प्रॉब्लम किसी को भी हो तो आप कमेंट में मुझे ऐसे से पूछ लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है किस टॉपिक में है तो मैं आपको फिर बता दूंगी ठीक है चलिए देखते हैं फिर क्या बात है सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है जी हाँ कहा जाता है जिसका अर्थ क्या होता है चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो नाम बहुत विख्यात है वो इसका मतलब क्या है कि सम्राटों के सम्राट क्या सम्राटों के सम्राट राजा के राजा और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिले ये जो स्थान है ये जो उपाध्य है जो नाम है ये टाइटल सिर्फ इन्हीं को मिला था ठीक है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है चलें आगे देखिए सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी इन्होंने जो इनका प्रशासन था जो ये बहुत अच्छा शासन करते थे बौद्ध धर्म का प्रचार भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया था तो इसलिए ये और भी ज़्यादातर होता था कि चार चांद लग जाना खुशियों में वैसा इनका ये भी था ठीक है मतलब हर राजा होने के साथ साथ धर्म का पालन करना धर्म का प्रचार प्रसार करवाना और एक अच्छे से एक अच्छे राजा होने का पूरा दायित्व निभाना अच्छे से समझदारी का काम करवाना ये सारी चीज़ें भी देखने को आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे ठीक है ये सारी चीज़ें उनके अंदर खूबियाँ थी ठीक तो मैंने आपको देखिए इनके बारे में बता दिया सम्राट अशोक के बारे में बताया कि नहीं बताया बिंदुसार के बारे में बताया हर एक बात मैंने आपको क्लियर बताई और अशोक के बारे में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की कि जो क्वेश्चन आपके राइज हुए हैं या आने की चांसेज है क्या क्या चीज़ें आपके रिलेवेंट है क्या क्या चीज़ें आपकी इस सेक्शन से पूछी जाएंगी ठीक है अब अगर अच्छा आप सबसे एक बात और पूछनी थी कि देखिए सम्राट अशोक के बारे में इनकी जो है प्रशस्तियाँ हैं मौर्य शासन में क्या क्या चीज़ें थी कैसा इनका काल था और आय व्यय के साधन थे क्या ये सब भी मैं आपको बताऊं आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में क्योंकि सिलेबस से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टॉपिक तो मैं आपको बिना पूछने की कोई बात ही नहीं वो कवर करूँ लेकिन कुछ टॉपिक ऐसा है ना कि जो बहुत कम चांसेस है पूछेगा लेकिन सिलेबस में दिया है बुक में भी है तो आप सभी मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को क्या वो सारे भी टॉपिक पढ़ने तो वो मैं पढ़वाऊँगी तो चैप्टर और लंबा होगा तो आप सभी मुझे बता दीजिएगा कि कैसे आपको पढ़ना है जो उचित लगेगा बता दें जो जो है वो तो मैं करवा दी लेकिन जो चाहिए थोड़ा रिलीवेंट है इम्पॉर्टेंट के पर्पज से मान लीजिए कि दस परसेंट होंगी इस टाइप से है तो बता दीजिएगा जो भी आपको पढ़ना होगा ठीक है चलिए देखते हैं क्या है अब अब टॉपिक है यहाँ पर कलिंग का युद्ध ये भी बहुत फेमस है बहुत प्रश्न बनता है काफी ज्यादा बनता है ध्यान रखिएगा अशोक से ही रिलेटेड है इसलिए हम इसको यहाँ पर अभी ही पढ़ेंगे ठीक है कलिंग का युद्ध का इतिहास कारण और परिणाम क्या था चलिए देखते हैं अशोक के तेरावें अभिलेख कौन सा अभिलेख थर्टींथ ठीक है तेरावा अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज अभिषेक उन्होंने अपने जो राज अभिषेक के आठ वर्ष के बाद कलिंग का युद्ध उनका राज अभिषेक हो गया था उसके आठ साल बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था और कलिंग पर विजय मिली थी कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसमें जीत जो है वो सम्राट अशोक की ही हुई थी ठीक है आगे चलते हैं देखिए अब इनके बारे में यहाँ पे क्या है क्या कारण जैसे यहाँ पे आपसे आता है कि आपसे कलिंग के युद्ध के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी में पूछेगा तो आपको पाँच छः लाइन लिखनी होगी ठीक है देखिए भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग के युद्ध के कारणों के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग विचार को सामने रखा हुआ है ठीक है सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहता सम्राट अशोक जो उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिता बिंदुसार उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते थे उन्हीं के रास्ते पर थे नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था जब नंद का शासनकाल चल रहा था तो कलिंग जो था वो मगध का एक साम्राज्य का एक प्रांत था ठीक है एक जिला था लेकिन चंद्रगुप्त तो मौर्य द्वारा नंदो की हार के बाद कलिंग ने स्वतंत्र राज्य जैसे चंद्रगुप्त तो मौर्य ने जब घनानंद को हरा कर वहां पर अपना राजभिषेक वगैरह करवाया था तो उसी समय क्या था कलिंग जो है उसने अपना एक अलग से सत्ता बना के अपना राज्य अलग कर लिया था उसी समय ठीक है जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था तब की ये बात है जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार बाप बेटे दोनों मिलकर उसको जो है ले आने का उसको जीतने का अपने राज्य में दोबारा से ले आकर विलय करने का पूरा प्रयास किए हुए थे लेकिन वो नहीं कर पाए वो असफल हो गए वो कलिंग पर युद्ध की विजय जीत ही नहीं पाए थे ठीक है केवल ये अशोक ही ऐसे थे जिन्होंने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने का कार्य किया था इन्होंने ही जो काम इनके दादा और पिताजी नहीं कर पाए थे अशोक ने ही इस चीज़ को किया था और कलिंग पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया था ठीक है लेकिन ये एक ऐसा जिंदगी में उनके पड़ाव आ गया कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ को छोड़ दिया ठीक है अब वही हमको यहाँ पर समझना है ये जो युद्ध फेमस हुआ था युद्ध कलिंग का एक युद्ध फिकुआ तो छोटा सा जला था प्रांत था उस पर जाके कब्जा करके ले लिया लेकिन ये इतना ज़्यादा विख्यात हुआ क्योंकि उसके पीछे एक कारण था चलिए देखते हैं क्या है वो कारण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद कलिंग अपनी सैन्य शक्ति और सलोन और जावा जैसे क्षेत्रों में अलग अलग व्यापार संबंधों के साथ बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा था फैला भी रहा था ठीक है कलिंग के समृद्धि के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ अब राजा अशोक जो जी चाह रहे थे कि मैं कलिंग पर विजय प्राप्त कर लूँ तो वो बहुत फैल रहा था ठीक है वो अपने राज्य को बहुत बड़ा विस्तार कर रहा था वहाँ से सारे व्यापार के सिस्टम भी कर रहा था लोग वहाँ लोगों की आवाजाही उसके राज्य में उसके प्रांत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी व्यापार हो रही थी तमाम चीज़ें उसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी तो वो चीज़ सभी को मतलब पसंद नहीं आती है क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य एक छोटा सा प्रांत अगर उसके सामने ऐसा कुछ करता है तो ये होता है कि लॉ मैं उसको अपने अंदर मिला लूँ ठीक है तो उसको जीतने का उनके मन में दोबारा से वो बात आई एक तो उनके पिता और दास जी उसको नहीं जीत पाए थे एक रीजन वो भी था और एक उनके मन में ये भी बात आई कि नहीं मुझे इसमें अपने राज्य में उसको शामिल कर लेना चाहिए था तो ये सारी बातें हुई जब उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए सोचा अपने दिमाग में ठीक है फिर देखिए अशोक के शासनकाल के बारहवें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा एक पत्र भिजवाया जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्य को सौंपे कलिंग के लड़ाई करने से पहले सम्राट अशोक ने क्या किया एक पत्र भिजवाया था कि आप जो है विलय करवा दो तो ये सारी चीजें हो जाएंगी ठीक है लेकिन उसने जो है वहां के जो कलिंग के राजा थे उन्होंने उसका इनकार कर दिया साफ मनाई कर दी थी उस समय देखिए ये कुछ एक एरिया है जहाँ पे तट पर ये हुआ था ठीक है ये दारा नदी से समथिंग कुछ हमें ध्यान नहीं है किस नदी का है ये लेकिन जो है ये नदी का तट है जहाँ पे ये आर पर लड़ाई हुई थी कुछ ऐसा ही सीन उस समय का था ठीक है देखिए हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया जिसका परिणाम यह निकला कि दो सौ ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग के राज के बीच ये जो है एक घातक सा युद्ध छेड़ा गया ठीक है कब हुआ दो में ठीक है कलिंग के राज और राजा अशोक के बीच में युद्ध छिड़ गया था ठीक है चलिए देखते हैं फिर क्या है इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी ठीक है मौर्य सेना के अगेंस्ट उन्होंने एक लड़ाई लड़ी देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए देखते ही देखते एक दिन, एक दिन एक दिन एक दिन होते होते सारा कलिंग की जितनी सेना थी वो एकदम लवालब हो गए सब खत्म हो गई तब्दील हो गई मैदान में और कलिंग के शासक साथ कलिंग राज ने मगध साम्राज्य को हारने में को हराने में कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी थी लेकिन अशोक की विशाल सेना के आगे कलिंग की सेना को पछाड़ दिया उसके सामने टिक ही नहीं पाई और माना जाता है कि कलिंग के सैनिक जो थे अंतिम सांस तक डर रहे थे और जीत के करीब थे हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा का लिया और युद्ध की विजय हुई मतलब एक छोटा सा प्रांत अगर वो थोड़ा सा फैलने लगा और चीज़ें होने लगी तो उसमें होता ना कि एक कहावत भी कही अजल गगरी छलक जाए ये सारी चीज़ें ना बहुत डिपेंड करती छोटा सा एक प्रांत उसमें अगर चीजें पहले तो, तो निवेदन भी जाएगा कि आओ तुम मिल जाओ तो उसके लिए वो तैयार नहीं है ठीक है और छोटे से हैं और इतना ज़्यादा ढिंडोरा पीटना बहुत फैलना अपने मतलब कि धमकियाँ देना बहुत सारा चीज़ें करना अपने विस्तार को हर जगह छोटे छोटे जो उनसे छोटे उनको कब्जा में लेना ये सारी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से ये सारा युद्ध हुआ पूरा इतना सारा काम हुआ और अंत में क्या हुआ कि वो हार गए ठीक है वो युद्ध हार गया और सुखब्राट कलिंग का युद्ध जीत गए ठीक है चलिए और कुछ जानते हैं इनके बारे में ये कारण तो मैंने आपको बता दिया परिणाम देखिए क्या हुआ इसके बाद इतिहास के इस भावा युद्ध में अशोक की तो जीत हो गई बड़े पैमाने पर लेकिन जान माल का बहुत नुकसान हुआ एक लाख सैनिक लगभग मारे गए कितने सैनिक ने राज अशोक ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई एक लाख डेढ़ लाख सैनिक मार दिए गए डेढ़ लाख सैनिक को पकड़ लिया गया उनको जो चोट वगैरह लगी थी लेकिन डर के मारे उनकी मृत्यु हो गई लास्ट में उनका सब कुछ खत्म हो गया ठीक है अब यहाँ पे बात और है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का पांचवा प्रांत भी बना लिया था ठीक है अब विजय तो हो गई तो प्रांत तो बना ही लेंगे कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा ही युद्ध था जहाँ विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया ये एक इतना मेन रीज़न यही दो लाइन का ऐसा रीज़न है जो अब इतना ज़्यादा कलिंग के युद्ध को फेमस कर दिया कि यही एक युद्ध था जोशोक के जीवन में ऐसा एक पड़ाव लेके आया कि उन्होंने उस दिन से सर कसम ही खा लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे और उन्होंने ऐसे शपथ ले ली और उन्होंने युद्ध करना तलवार ही उन्होंने अपनी जिंदगी से छोड़ दी सोचिए इतने ज़्यादा विख्यात और फेमस जो थे प्रसिद्ध थे और अपनी कला से अपनी जो है बुद्धि से चतुराई सब कुछ था लेकिन सारा चीज़ तब्दील हो गया सब बराबर हो गया एक युद्ध ने उनके मन को इतना ज़्यादा तोड़ दिया था इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुआ कलिंग का युद्ध ठीक है क्योंकि उस से उसी समय से उसी युद्ध उनकी जिंदगी का लास्ट युद्ध था अशोक ने लड़ाई करनी छोड़ दी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो मिशन शुरू कर दिया और वो उसी रास्ते पर निकल गए और बौद्ध धर्म का जहाँ जहाँ प्रचार कर पाए वहाँ वहाँ उन्होंने खूब अच्छे ढंग से पूरी आत्मा तन मंधन लगाकर उन्होंने पूरा उसको पूरा खूब ज़्यादा ही प्रचार किया ठीक है उस धर्म में फिर वो लीन हो गए ठीक है देखिए युद्ध में विजय होने के बाद ही महान अशोक असंतुष्ट और निराश हो गए थे उन्हें बहुत खराब लगा कि इतना सब कुछ हुआ कलिंग की बिगड़ती हालत खून तड़प लोगों के आंसुओं और लतपत देखकर दुख और निराशा से भर गया उनका मन असम्राट ने हिमालय के सिलोन और ग्रीस में वर्मा तक बौद्ध धर्म के प्रसार के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो इस रास्ते पर चले गए कि उन्हें ये चीज़ नहीं करनी थी उनसे सारी चीज़ें देखी नहीं गई ठीक है युद्ध के बाद बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुवायी बन गए और अशोक ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी हिंसा के रास्ते पर नहीं चलेगा उसने साम्राज्य के सैन्य विस्तार को समाप्त कर दिया इन्हीं कारणों से कलिंग युद्ध अशोक की गद्दी संभालने के बाद प्रथम और अंतिम युद्ध बना ठीक है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की यह एक क्लास यहीं तक मैंने आपको आज की इस क्लास में बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में अच्छे से बताया कलिंग के युद्ध के बारे में अच्छी चीजें बताई अच्छा एक बात थोड़ा और बता देती हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है ध्यान से सुनिएगा ठीक है ये जो राजा बिंदुसार थे ना चंद्रगुप्त मुत्रा मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है इसलिए मैं आपसे छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा ये बिंदुसार इनका नाम क्यों पड़ा पता है क्या अगर कोई जानता होगा तो कमेंट में जरूर डालेगा कि आपको ये बात पता थी लेकिन मैं बताना चाहूंगी जानना चाहिए आपको कलिंग ये जो बिंदुसार का नाम पड़ा था ना ये चाणक्य ने रखा था चाणक बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आपको वक्त मिले तो चाणक्य नीति पढ़िएगा कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें मिलती हैं और उनका नाम जो है ना ये बिंदुसार चाण्य ने रखा था रखा क्यों था चलिए मैं आपको छोटी सी बात बताती उसके पीछे की स्टोरी है जब चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाते थे ना तो चाणक उनके खाने में एक बूंद जहर बूंद भर का जहर उनके खाने में डाल देते थे क्यों डाल देते पता है उनको मारने के लिए नहीं डालते थे उनको वो उनके शरीर में वो क्षमता डेवलप करवाना चाहते थे कि उनके खाने में थोड़ा सा एक बूंद वो जहर डाल दिया करते थे डेली खाने में डाल दिया करते थे ताकि उनके अंदर जहर को भी पचाने की हजम कर ले जाने की एक क्षमता बनी रहे वो चंद्रगुप्त मौर्य को इतना मतलब इतना मजबूत बनाना थे जिसकी ये चाणक्य कभी बताए नहीं थे ये चुप्पे से चाणक्य उनके खाने में कर दिया करते थे और एक बोन एक बोन सिंगल बोन उनके खाने में डाल दिया करे जहर की लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि जो इनकी पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी दुधरा थी वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी न प्रेग्नेंट थी उस समय जब उनकी कोख में भी ये बिंदुसार थे ठीक है जब वो माँ बनी हुई थी बिंदुसार थे? एक दिन पता नहीं कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने खाना अपना उनसे साझा कर दिया उन अपनी थाली उन्हें दे दी मतलब उनके साथ शेयर कर दिया और ये बात जब तक चाणक्य को पता चले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पत्नी के साथ खाने को शेयर किया है उसी समय वो मतलब आनंद फानंद में दौड़ कर आए चाणक्य के और उसके बाद जो है वो मतलब जो दुद्धरा उनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उनका पेट उन्होंने काट दिया पेट काट के बिंदुसार को बाहर निकाला क्योंकि जहर उनके शरीर में फैल चुका था और हल्का जैसा जो, जो एक शहर एक बूंदी भर का जो जहर था वो बिंदुसार के मस्तिष्क में जाके पहुंच ही गया था ठीक है पूरी शरीर में तो नहीं फैल पाया था इसलिए चाणाक्य ने उसको पेट से काट के निकाल दिया था लेकिन हल्का सा एक जहर फैल गया था शरीर में वो भी सर के समीप के साइड पर जिसकी वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा जो बिंदु आया है ना वो हल्का सा एक बूंद भर जहर की वजह से इनका नाम बिंदुसार पड़ा था ये नाम चाणाक्य ने रखा था ये नाम रखने की एक पीछे स्टोरी है जो मैंने आपको बताई शायद आपने नहीं पढ़ी होगी नहीं जानी होगी ये बात मुझे भी जब पता चली काफी आश्चर्य लगा कि बाप रे मतलब यहाँ पे देखिए कि एक बूंद भर जहर देके उनको क्या करवाना चाहते थे ये इसके पीछे स्टोरी थी इनके नाम के फिलहाल मैंने आपको कोशिश की है कि आपको अच्छी चीजें बताऊँ जो रियल है वो बताऊँ क्योंकि जानना जरूरी है ठीक है उम्मीद है कि आपकी क्लास आज की यह क्लास आपको इंटरेस्टिंग हो लगी होगी समझ में आया कुछ नई चीज़ें मेरे थ्रू आपको जानने की चीज़ें मिली होंगी मेरी यही कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ बताऊँ कोई चीज़ें और है तो उसको रेलिवेंट में उसे जोड़ के आपको समझा सकूँ ठीक है अगर अच्छा लगा है प्लीयर को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों तो में शेयर करिए जाते जाते कमेंट मिले जरूर कर करते सभी बच्चे जाएंगे कि आपको यह क्लास कैसी लगी तब नेक्स्ट क्लास में हम फिलेंगे तब तक ले टेक किए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग